हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और न्यूक्लियॉन का साथ साथ जो कंपटीशंस की दुनिया में जो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, बीएससी एमएससी में पूछे जाते हैं, उन्हें भी डिस्कस करूँगा। और इंटरव्यू के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो डिस्कशन है वो इसमें मैं दूंगा, तो मुझे उम्मीद है कि पूरी फिजिक्स कम्युनिटी को काफ़ी इनरिच करेगी और जो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, जो एमएससी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिट देगी, क्योंकि एक सिलेबस में है बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो दोनों टॉपिकों को मैंने कवर किया है, एक पहले वीडियो मैंने डिस्कस किया था बाइंडिंग एनर्जी का, वो मेरा लेक्चर 1 था यूनिट फर्स्ट का एमएससी के हिसाब से, और ये सेकेंड लेक्चर है जिसमें मैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व को डिस्कस कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये फिजिक्स कम्युनिटी को इनरिच करेगा और कंपटीशंस की दुनिया में ऐसे क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं, मैं उन्हें भी डिस्कस करूंगा और जो इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उन्हें भी डिस्कस करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि सभी को ये बेनिफिट देगी, पूरी फिजिक्स कम्युनिटी को इनरिच करेगी, उनके कंसेप्टों को इनरिच करेगी। तो इसमें जो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हमारे लिए बाइंडिंग एनर्जी क्यों महत्वपूर्ण है। बाइंडिंग एनर्जी जो होता है, मैं पहले भी लेक्चर में डिस्कस कर रहा था, वो मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस होता है और बताता है कि न्यूक्लियस हमारा कितना स्टेबल है। अगर बाइंडिंग एनर्जी की जब हम डेफिनेशन देते हैं तो बताते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड होती है जो न्यूक्लियस है उसको ब्रेक करने के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियस न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स के बीच में जो स्टेबिलिटी होती है न्यूक्लियर फोर्स के कारण, उसको ब्रेकअप करने के लिए जो हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हमारी बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो यहाँ पर जो कर्व है, कर्व प्लॉटिंग है, उसको पहले सबसे पहले समझें। इधर बाइंडिंग एनर्जी, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने इस कर्व में मास नंबर लिया है और वाई एक्सिस के ऊपर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन लिया है, और बाइंडिंग एनर्जी को लिया गया है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, न्यूक्लियॉन को ले शो करते हैं हम ए से, जो हमारा टोटल न्यूक्लियॉनों की संख्या है। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वाई एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के ऊपर जो है हमारा मास नंबर लिया है हमने। मास नंबर को हमने डिवाइड कर दिया है 20 40, मतलब 20 20 के गैप में, ये 20 का गैप है, फिर 20 का गैप है, फिर ये 20 का गैप है और ये लास्ट तक 240 तक ये हमारा जाएगा, क्योंकि जो हम बाइंडिंग एनर्जी प्लॉट कर रहे हैं पर न्यूक्लियॉन का और न्यूक्लियॉन के बीच में, वो न्यूक्लियॉनों की संख्या को हमने शुरू में 0 से लेकर और 240 तक हमें लेना है। तो सबसे पहले मैं कल डिस्कस कर रहा था, जब हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, उधर हम इधर वाई एक्सिस पर ले रहे हैं और ये एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी की जो पीक है, जो सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आती है, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो बाइंडिंग एनर्जी पीक जो होता है वो Fe2656 पर होता है। Fe मीन्स आयरन, तो आयरन का जो न्यूक्लियस है जिसका टोटल न्यूक्लियनों की संख्या जिसके अंदर 56 है, जिसमें जेड की वैल्यू 26 है और जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो 30 है, तो जेड बराबर 26 मीन्स प्रोटोनों की संख्या 26, न्यूट्रॉनों की संख्या 30 और टोटल न्यूक्लियनों की संख्या 56, वो होती है हमारी एफ ई में। और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है वो मैक्सिमम होती है, वो होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत बार कम्पिटिटिव दुनिया में पूछा जाता है और बीएससी एमएससी में पूछते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा पर न्यूक्लियन किसकी होती है, तो वो हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा होती है Fe2656 की। तो ये याद रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साथ साथ जो हमने वाई एक्सिस पे कर्व की प्लॉटिंग की है, उसमें जो कर्व है उसको 9 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है और यहाँ पे नंबरिंग दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इसमें जो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, इसमें जो हमारा एक जो खाना बना रखा है हमने, वो हर खाना 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन को शो कर रहा है। तो पहला 1, फिर यहाँ पे 1 का गैप होगा तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ से 0 से 2, यहाँ पे फिर 1 का गैप होगा तो ये 0 से 3 तक पहुँचेंगे, इसी तरीका से हम आगे तक पहुँचेंगे। इसमें बाइंडिंग एनर्जी जो होगी 1s2 से हम शुरू करते हैं, कल के लेक्चर में भी मैं डिस्कस कर रहा था कि जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू 1 और 1 होती है तो उनके बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 1 होते हैं न्यूक्लियस में, तो पाई मैसोन एक्सचेंज शुरू हो जाता है और पाई मैसोन एक्सचेंज से न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होता है। तो जो सबसे लाइट है न्यूक्लियाई है जो हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर फोर्स की या बाइंडिंग एनर्जी की, वो हमारा 1s2 होता है, जिसे हम ड्यूटेरियम
डीएम न्यूक्लियस कहते हैं। तो 1s2 की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो यहाँ पे मैंने डिस्कस की है। कल के लेक्चर में मीन्स पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था लेक्चर 1 में कि बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है 1s2 की। हाइड्रोजन का ये जो 3 आइसोटोप होते हैं 1s1, 1s2, 1s3, तो 1s2 की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 2.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और पर न्यूक्लियॉन में जब लेंगे तो क्योंकि उसमें न्यूक्लियॉन की संख्या 2 है तो 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन ये हमारी वैल्यू आएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में। तो यहाँ 1.1 से थोड़ा सा ऊपर से कर्व शुरू हुआ है 1s2 के लिए, तो यहाँ से 1.115 ये हमारा पहला जो कर्व है 1s2 के लिए यहाँ से शुरू होगा। उसके बाद जैसे ही हम 2he4 पर पहुँचेंगे तो 2he4 की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, 2he4 का मतलब होता है हीलियम न्यूक्लियस, इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो रहती है वो रहती है हमारी 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। तो ये रिमेंबर भी रखें, डाटा भी हमें याद होने चाहिए। तो 2he4 की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो 7.2 MeV पर न्यूक्लियॉन होती है। तो काफ़ी एकदम से जैसे ही 1s2 में एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन था और 2he4 में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है, तो हम देख रहे हैं कि जैसे ही जो पेयरिंग होती है, पेयरिंग का मतलब है कि A बराबर 4N का जब इंटीजर मल्टीपल होगा और N को जब हम वैल्यू देंगे तो ये हमारा A की वैल्यू 4 हो जाएगी, और A 4 का मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन 4 की वैल्यू हमारी ऑब्टेन हो रही है। तो इसमें एकदम से बाइंडिंग एनर्जी राइज होती है, बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है 1s2 के मुकाबले। 1s2 में जहाँ प्रोटोनों की संख्या 1 थी, न्यूट्रॉन 1 था, तो 2he4 में प्रोटोनों की संख्या 2 हुई और न्यूट्रॉन की संख्या भी 2 हुई। तो प्रोटोन न्यूट्रॉन की 2 संख्या जैसे ही मिलती है तो एकदम से हमें स्टेबिलिटी मिलती है और एकदम से बाइंडिंग एनर्जी 7.2 MeV पर न्यूक्लियॉन 2he4 पर ऑब्टेन होती है। तो हम ये भी जाने कि 7.2 MeV पर न्यूक्लियॉन एकदम से क्यों राइज हो गई, उसका रीजन ये होता है कि जैसे ही हमारा जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनकी स्पिन हाफ होती है और ये हमारा दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन अपोजिट स्पिन के साथ ये कनेक्ट हो जाते हैं, दो की स्पिन अपवर्ड डायरेक्शन में और दो की स्पिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाती है, तो ये पेयरिंग बन जाती है और दो अपवर्ड स्पिन और दो डाउनवर्ड स्पिन दोनों कैंसिल आउट हो जाती हैं क्योंकि 4 न्यूट्रॉन थे और 4 में से 2 की स्पिन अपवर्ड्स और 2 की डाउनवर्ड स्पिन के साथ जो नेट स्पिन है अपवर्ड और डाउनवर्ड स्पिन कैंसिल आउट हो जाती है और नेट स्पिन 0 होने के कारण स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा अचीव हो जाती है। तो न्यूक्लियस जब भी 4 के इंटीजर मल्टीपल में होता है, A बराबर 4N बनता है, तो न्यूक्लियस के अंदर ये टेंडेंसी पाई जाती है कि न्यूक्लियस जो बड़ा साइज का भी न्यूक्लियस है वो भी 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन के साथ साथ 4-4 का कॉम्बिनेशन बना के अंदर हीलियम न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेता है और उस हीलियम न्यूक्लियस के कारण जो है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और एक चीज़ जो मेरा एक बहुत ही फैक्चुअल स्टेटमेंट होता है वो यह है कि दुनिया की जितनी भी प्रोसेस होती हैं, जितनी भी नेचुरल प्रोसेस होती हैं, वो सिस्टम को स्टेबलाइज करने का प्रयास करती हैं। तो जो सिस्टम है वो क्योंकि जो लाइटर साइज के न्यूक्लियाई हैं उनमें बाइंडिंग एनर्जी जो हमारी 2he4 की सबसे ज़्यादा होती है, तो न्यूक्लियस के अंदर 2he4 का फॉर्मेशन होता है। जो बड़े साइज़ के न्यूक्लियस होते हैं उनके अंदर भी ये टेंडेंसी देखी जाती है, और 2he4 का फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि लाइटर न्यूक्लियाइयों में सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी जो हमारे छोटे साइज़ के न्यूक्लियस हैं उनमें सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी 2he4 की होती है, 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। अगर टोटल बाइंडिंग एनर्जी पूछता है तो 7.2 को 4 से मल्टीप्लाई करें और पर न्यूक्लियॉन पूछता है तो 7.2 गुणा 4/4 करेंगे तो वो 7.2 MeV पर न्यूक्लियॉन जो हमें ऑप्टेन हो जाएगी। इस तरीका से हम लेकर चलते हैं तो 1s2 से 2he4 पर बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे पीक आएगी। उसके बाद जैसे ही हम लिथियम पे आते हैं, लिथियम की बाइंडिंग एनर्जी को एवेल्यूट करते हैं, तो लिथियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें जेड की वैल्यू 3 और न्यूट्रॉन की वैल्यू 4 होती है। लिथियम को 3-7 से डोट करते हैं, जेड 3 और न्यूक्लियॉन की संख्या जो होती है वो 7 होती है और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो 4 होते हैं। तो एकदम से बाइंडिंग एनर्जी कर्व के अंदर ये वैल्यू एकदम से डिक्रीज हो जाती है और बाइंडिंग एनर्जी कहीं 5 और 6 के बीच में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन में हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है। उसके बाद जैसे ही लिथियम से कार्बन की तरफ चलते हैं, कार्बन का जहाँ कार्बन 6C6H12 होता है, जहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या 6 और टोटल न्यूक्लियॉन की संख्या 12 होती है, तो एकदम से कर्व में बाइंडिंग एनर्जी कर्व में पीक्स आता है और एक से थोड़ा नीचे बाइंडिंग एनर्जी हमें यहाँ ऑब्टेन होती है। उसके बाद जब नाइट्रोजन की तरफ आते हैं तो नाइट्रोजन में बाइंडिंग एनर्जी कार्बन के मुकाबले थोड़ी कम मिलती है और ऑक्सीजन पर फिर एकदम से पीक मिलता है।
उसके बाद आगे के जो ए की वैल्यू जैसे जैसे राइज होती है तो थोड़ी सी बाइंडिंग एनर्जी घटने के बाद फिर बाइंडिंग एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और एफ ई 2656 पर बाइंडिंग एनर्जी जो है पर न्यूक्लियॉन वो पीक पर होती है 8.8 MeV पर न्यूक्लियॉन। उसके बाद जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है तो बाइंडिंग एनर्जी धीरे 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 कम होती जाती है और जब हम यूरेनियम 92238 के लिए बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो यूरेनियम 92238 के लिए बाइंडिंग एनर्जी 7.6 MeV पर न्यूक्लियॉन हमें ऑप्टेन होती है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी के इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। 1s2 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 1.15 MeV पर न्यूक्लियॉन होती है। एफ ई 2656 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मैक्सिमम होती है 8.8 MeV पर न्यूक्लियॉन। यूरेनियम 92238 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 7.6 MeV पर न्यूक्लियॉन होती है। और यह हमसे बहुत ही ज़्यादा बार ये क्वेश्चन इंटरव्यू में डिस्कस होता है कि हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और न्यूक्लियॉन के बीच में कर्व क्यों खींचते हैं, हम बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियॉन के बीच में कर्व क्यों प्लॉट नहीं करते। तो ध्यान रखें कि अगर हम बाइंडिंग एनर्जी को एवेल्यूट करें तो बाइंडिंग एनर्जी सबसे कम जो मिलती है वो 1s2 के लिए मिलती है 2.23 MeV, और जो हमारा यूरेनियम 92238 है और उससे भी ऊपर के जो हमारे हैवी साइज न्यूक्लियाई हैं जिनका साइज बहुत बड़ा है उनकी बाइंडिंग एनर्जी 1800 MeV से 1800 MeV से भी ज़्यादा हो जाती है। तो जो कर्व है वो उसमें हमारा 2.25 से 1800 के बीच में एक बहुत वाइड रेंज हमारा कर्व जाएगा और यहाँ से जब हम 0 से और 1800 तक जाएंगे तो कर्व हमारा बहुत वाइड होगा और उसके लिए हमारा स्टडी करना भी हमारे लिए मुश्किल होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से क्या होगा कि पूरा का पूरा कर्व 0 और 9 MeV पर न्यूक्लियॉनों के बीच में ही पूरा कर्व होगा। तो इसी के अंदर पूरा का पूरा हमारा डिस्कशन हो जाएगा, इसलिए हम बाइंडिंग एनर्जी को ना लेके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के लिए कर्व खींचते हैं क्योंकि वो हमारी रेंज को लिमिटेड तय कर देता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। साथ साथ इस कर्व से कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ कंक्लूड करना चाहूँगा कि इस कर्व से हम देख सकते हैं कि जब भी हमारा ए की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियनों की संख्या 4 के इंटीजर मल्टीपल में होती है वहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो पीक शो करता है वहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी अचानक तेजी के साथ बढ़ जाती है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा हीलियम के ऊपर कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये हमारा यहाँ पे अगर हम a बराबर 4n से कंपेरिजन करें तो पहले n की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे a की वैल्यू 4 होगी तो यहाँ हमारा कर्व पीक शो कर रहा है। उसके बाद अगर हम n बराबर यहाँ पे 3 ले लेंगे तो a की वैल्यू 12 होगी तो यहाँ 12 में पीक शो कर रहा है। उसके साथ अगर हम n को 4 ले लेंगे a बराबर 4n में तो a 16 हो जाएगा तो यहाँ पे भी पीक शो कर रहा है। तो जब भी a की वैल्यू 4n इंटीजर मल्टीपल में होती है तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व पीक शो करता है और उसका रीजन मैं अभी बता ही रहा था कि 2He4 स्ट्रक्चर जब भी न्यूक्लियस के अंदर फॉर्म होगा तो सिस्टम जो है वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा क्योंकि लाइट साइज के अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा हीलियम की होती है। तो न्यूक्लियस सदा स्टेबलाइज होने की कोशिश करता है, इसलिए क्या होता है कि जब भी न्यूक्लियस बड़ा होगा तो उसके अंदर 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन आपस में कंबाइन होकर 2 की स्पिन अपवर्ड्स 2 की स्पिन डाउनवर्ड्स होकर वो 2He4 का फॉर्मेशन कर लेंगे और वो अल्फा पार्टिकल होगा। फिर हम अल्फा डिके पर जब जाएंगे आगे हम मैं डिस्कस करूंगा तो वो अल्फा डिके इसलिए होगा क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल का फॉर्मेशन न्यूक्लियस में होगा तो जो अल्फा पार्टिकल है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और वो अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी के कारण न्यूक्लियस से निकलने का प्रयास करेगा लेकिन पोटेंशियल बैरियर उसे रोकने का प्रयास करेगा। और क्वांटम टनलिंग से फिर अल्फा डिके को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारी गैमो थ्योरी है जो मैं आगे जाकर डिस्कस करूंगा लेकिन आज एक छोटा सा आइडिया मैं आपको दे रहा था। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जितने भी 4 के इंटीजर मल्टीपल हैं वहाँ पे पीक्स है और लाइटर साइज की जो बाइंडिंग एनर्जी है इस कर्व से देख सकते हैं वो बाइंडिंग एनर्जी के अंदर लाइटर साइज में 1s2 में देखें बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है और 20 तक हम देख रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो थोड़ी कमी रहती है लेकिन जैसे जैसे 20 से लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो नियरली कॉन्स्टेंट हो जाती है इस रीजन के अंदर मीडियम साइज न्यूक्लियाई में और जैसे जैसे साइज फिर बढ़ता जाता है तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो यहाँ से 3 कॉन्क्लूजन्स हमें ड्रॉ करने हैं। क्या कॉन्क्लूजन्स है? एक कॉन्क्लूजन है कि जो लाइटर साइज के न्यूक्लियाई हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन उनकी कम मिलती है। मीडियम साइज के न्यूक्लियाई जो होते हैं उनकी में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन रियली कॉन्स्टेंट की तरफ अप्रोच करती है और अगर हम एवरेज तौर पर देखें तो वो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो पीक पे तो होती है 8.8 MeV पर न्यूक्लियॉन एफ ई 2656 के लिए लेकिन जो हमारे मीडियम साइज के न्यूक्लियाई हैं उनकी अगर एवरेज तौर पर यहाँ पे वैल्यू देखें तो वो करीब करीब हमें 8.5 MeV पर न्यूक्लियॉन मिलती है। और जब हमारा ए बढ़ता जाता है न्यूक्लियॉन की संख्या बढ़ती जाती है तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है और बाइंडिंग एनर्जी यूरेनियम 92238 पर 7.6 MeV पर न्यूक्लियॉन हो जाती है। तो ये हमारे कॉन्क्लूजन्स हैं। फिर हम ये जानेंगे कि इन कॉन्क्लूजन से
से ऐसा होता क्यों है, और ऐसा क्यों होता है कि लाइकर साइज जो होते हैं न्यूक्लियाई उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हमारी कम होती है, जिनका साइज बड़ा होता है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिक्रीज हो जाती है, और मीडियम में जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन नियरली कॉन्स्टेंट रहती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जो हमें समझना है, उसे भी समझें। मैं थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, हालांकि आगे लेक्चरों में और ज़्यादा डिटेल आपको डिस्कशन मिलेगा इनके ऊपर। तो यहाँ पर जब लाइकर साइज का न्यूक्लियस होता है तो लाइकर साइज के न्यूक्लियस में क्या होता है कि आर जो होता है रेडियस, वो रेडियस निर्भर करती है आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3 पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कम होगी, ए यहाँ पे आर नॉट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1.2 फर्मी होती है, आर नॉट की वैल्यू 1.2 गुणा 10 की पावर माइनस 15 मीटर होती है। एक जब हमारा कम होगा तो रेडियस कम होगी, रेडियस कम होने से जब न्यूक्लियस की रेडियस कम होगी तो न्यूक्लियस का साइज कम होगा, साइज के कम होने से जो न्यूक्लियॉन हैं उनके सरफेस पर पाए जाने की संभावना ज़्यादा होगी, और जो सरफेस पर न्यूक्लियॉन होंगे वो इसके को कम करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सरफेस पर ज़्यादा न्यूक्लियॉन अगर पहुँचते हैं तो सरफेस से उन्हें बाहर निकलने की संभावना बढ़ती है, जिससे क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। तो मीडियम जो हमारे साइज के न्यूक्लियाई हैं, जब ए की वैल्यू बढ़ती जाती है तो थोड़ा न्यूक्लियस की रेडियस बढ़ती जाती है, और सरफेस पर न्यूक्लियॉनों के मुकाबले अंदर वॉल्यूम में पाए जाने की संभावना बढ़ती है, जिसके चलते क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी जो है हमारी कॉन्स्टेंट हो जाती है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कॉन्स्टेंट हो जाती है। ये इसका रीज़न ये रहता है कि अब ज़्यादा जो न्यूक्लियॉन हैं वो सरफेस की बजाय वॉल्यूम के अंदर हैं। दूसरा जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है, जब हमारा साइज न्यूक्लियस का मीडियम साइज में पहुंचेगा तो उसके न्यूक्लियस के पास में एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस के पास चारों तरफ न्यूक्लियॉन होंगे और उनके बीच में पाई मेसोन एक्सचेंज होगा। पाई मेसोन एक्सचेंज जो होगा वो सैचुरेट हो जाएगा, और पाई मेसोन एक्सचेंज सैचुरेट होने पर जो न्यूक्लियर फोर्स है उसकी वैल्यू सैचुरेट हो जाएगी, तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो पर न्यूक्लियॉन कॉन्स्टेंट की तरफ अप्रोच करेगी। तो ये ध्यान रखें, जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता चला जाएगा न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस के साइज बढ़ने से क्या होगा कि न्यूक्लियस के साइज बढ़ने से न्यूक्लियस के अंदर जो है वैल्यू न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की दोनों की बढ़ने लगेगी, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम के इक्वल हैं, तो उनकी वैल्यू दोनों के कम होने से बढ़ने से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, अगर वो दोनों वैल्यू कम होती हैं तो हमारा लाइकर साइज का न्यूक्लियाई बनेगा, और अगर उनकी वैल्यू बढ़ती है दोनों की तो वो हैवी साइज का न्यूक्लियस बनेगा। तो हैवी साइज के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की वैल्यू बढ़ने से प्रोटॉन और प्रोटॉन, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन में रिपल्सन की वैल्यू बढ़ेगी, और प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन बढ़ने से बाइंडिंग एनर्जी हमारी डिक्रीज होगी। तो एक क्वेश्चन जो कंपटीशन में आता है कि जब हमारा साइज न्यूक्लियस का बड़ा होता है वहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम क्यों होती है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आपको यही रिप्लाई देना है कि जैसे जैसे साइज बढ़ता है न्यूक्लियस का, तो साइज बढ़ने से न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की वैल्यू बढ़ती है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा होने से प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्सन बढ़ता है, और प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन के कारण जो है बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। लाइकर साइज में अगर कहता है कि बाइंडिंग एनर्जी क्यों कम क्यों मिलती है, तो आपको जवाब देना है कि लाइकर साइज के अंदर जो न्यूक्लियस का साइज कम होता है, न्यूक्लियस के साइज होने से न्यूक्लियस के सरफेस पर न्यूक्लियॉनों के पहुंचने की संभावना बढ़ती है, और जितने न्यूक्लियॉन सरफेस पर ज़्यादा होंगे उससे बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कम होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि सरफेस से न्यूक्लियॉन आसानी से निकलने के पॉसिबिलिटी उनकी बन जाती है। तो ये हमें दोनों जवाब देने। मीडियम साइज में अगर कहता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कॉन्स्टेंट क्यों रहती है, तो आप उसमें बताएं कि न्यूक्लियन फोर्स जो हो जाता है वो सैचुरेट हो जाता है, इसलिए जो है बाइंडिंग एनर्जी मीडियम साइज की जो है, क्योंकि जो मीडियम साइज का न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियॉन भी अंदर होते हैं, और मीडियम साइज के न्यूक्लियसों में जो नियरेस्ट नेबर्स होते हैं पर्टिकुलर न्यूक्लियॉन के, उनके बीच में पाई मेसोन एक्सचेंज चलता रहता है कंटिन्यूसली, क्योंकि न्यूक्लियॉन एनएफ हैं तो हर न्यूक्लियॉन के पास आसपास के सराउंडिंग में न्यूक्लियॉन होंगे, जिसके चलते उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स जनरेट रहेगा, और न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होने से जो बाइंडिंग एनर्जी है वो जितनी मैक्सिमम हो सकती है वो सैचुरेट होगी। तो ये हमें कॉन्क्लूजन इसमें ड्रॉ करने। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो इसमें पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसका कारण एक्सप्लेन करें। तो बहुत ही बार ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का भी मैं जवाब यहाँ पे दे रहा हूँ कि न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन में एनर्जी क्यों रिलीज होती है, बाइंडिंग एनर्जी से एक्सप्लेन करें। लगातार क्वेश्चंस पूछा जाता है, पीसीएस आईएएस और बीएससी एमएससी के कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी पूछा जाता है, और जो हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं उनमें भी पूछा जाता है कि फिशन और फ्यूजन में एनर्जी बताएं क्यों रिलीज होती है। तो उसके पीछे हम रीज़न समझा सकते हैं कि जो हमारा लाइकर साइज का न्यूक्लियाई होगा इनकी बाइंडिंग एनर्जी काफ़ी कम होती है, और ये लाइकर लाइकर के जो न्यूक्लियाई हैं वो हमारा मीडियम साइज के न्यूक्लियाई का जब फॉर्मेशन करेंगे वहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी मीडियम साइज की, तो उनका जो एनर्जी का डिफरेंस है
जो हमारा मीडियम साइज़ के न्यूक्लियस हैं और लाइट साइज के न्यूक्लियस हैं उनका जो बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस है वो एनर्जी में रिलीज होता है इन द केस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फिशन में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा हैवी साइज का न्यूक्लियस होता है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, इधर की तरफ ये हैवी साइज के न्यूक्लियस हैं और ये हमारा मीडियम साइज के न्यूक्लियस इधर की तरफ इस रीजन में होंगे, तो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी हमारी कम होती है, यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, जिससे इन दोनों के बीच का जो बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंस है पर न्यूक्लियन का वो एनर्जी में रिलीज हो जाता है और वहाँ से हमें एनर्जी ऑप्टेन होती है। जैसे हम देख सकते हैं कि अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे लें कि यूरेनियम हमारा बान में 235 एक न्यूट्रॉन इसके ऊपर इम्पोज कर दिया जाता है, और अगर ये प्रक्रिया हमें समझानी हो कि यूरेनियम बान में 235 जो यूरेनियम का एक आइसोटोप है वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, थर्मल काइनेटिक एनर्जी का न्यूट्रॉन है, तो ये हमारा यूरेनियम बान में 236 बनाएगा और साथ साथ ये ब्रेकअप हो जाएगा बेरियम क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन और जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। तो यहाँ पे मैं केवल ब्रीफ में समझाए दे रहा हूँ बेरियम और क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन और यहाँ पे जो एनर्जी है वो मोर देन 200 MeV से ज़्यादा एनर्जी हमें यहाँ ऑप्टेन होती है, मोर देन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बताएं कि 200 से ज़्यादा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी यहाँ क्यों रिलीज होती है। क्रिप्टॉन का क्लासिफिकेशन 3689 लिख दें, बेरियम का 56144 कर दें, तो ये बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। तो यहाँ पे जो यूरेनियम बान में 236 है इसकी बाइंडिंग एनर्जी इस ऑर्डर पे है 7.6 MeV पर न्यूक्लियॉन और इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है जो हमारे मीडियम साइज के न्यूक्लियाई हैं वो इस रीजन में कहीं लाई करेंगे, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का एवरेज जो है वो है हमारा 8.5 MeV पर न्यूक्लियॉन। तो 8.5 MeV पर न्यूक्लियॉन यहाँ पे होगा और इधर बाइंडिंग एनर्जी का जो ऑर्डर है वो है हमारा 7.6 MeV पर न्यूक्लियॉन। तो अगर हम इन दोनों का बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करें तो ये बाइंडिंग एनर्जी का जो डिफरेंस है 8.5 MeV पर न्यूक्लियॉन से अगर 7.6 MeV पर न्यूक्लियॉन को हम घटाते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वैल्यू 0.9 MeV पर न्यूक्लियॉन आती है। और यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन हो रहा है 236 न्यूक्लियॉनों का, तो 236 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.9 से तो इतनी एनर्जी इसमें रिलीज होगी। तो ये एनर्जी हमें अप्रॉक्स जो है वो 212 या इसके आसपास कहीं ऑप्टेन होगी और इसी रेंज में ये हमें एनर्जी ऑप्टेन होती है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो यहाँ पे इसका मास और यहाँ पे जो मास है इनका जो मास डिफेक्ट है वो हमारा एनर्जी में रिलीज हुआ है। तो बाइंडिंग एनर्जी का कारण क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी का कारण मास डिफेक्ट होता है, मास डिफेक्ट होता है और मास डिफेक्ट के का जो डिफरेंस है उसके कारण बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो ये हमें यहाँ से कंफर्म होगा और बाइंडिंग एनर्जी ही का जो डिफरेंस है वही एनर्जी की फॉर्म में यहाँ रिलीज होगा, तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये लाइट साइज में बिल्कुल इसका रिवर्स समझा सकते हैं, यहाँ बाइंडिंग एनर्जी काफ़ी कम है, यहाँ बाइंडिंग एनर्जी जब हमारा लाइटर वाला मीडियम की तरफ अप्रोच करेगा तो यहाँ बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा मिलेगी और उन दोनों का जब एनर्जी डिफरेंस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हम लेंगे तो वहाँ पर हमारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी का जो डिफरेंस है पर न्यूक्लियॉन वही एनर्जी में रिलीज होता है इन द केस ऑफ न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन। तो ये इंपॉर्टेंट है, लगातार कंपटीशंस में पूछा जाता है तो इसे ऑलवेज याद रखें। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ वो मैंने यहाँ नोट डाउन कर दी हैं, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। इसको याद रखें कि जो सब्सिडरी पीक होता है वो A=4N पर मिलता है, इसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। Helium-4 Carbon-16 Oxygen-16 Carbon-12 लिखें यहाँ पे क्योंकि कार्बन का 12 होता है, Oxygen-16 ये इवन न्यूक्लियाई हैं क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स और या टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन वो इवन हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो होती है वो लो रहती है लाइटर और हैवी न्यूक्लियाई के लिए, मैं अभी डिस्कस ही कर रहा था। फिशन और फ्यूजन को मैंने एक्सप्लेन किया है पॉइंट नंबर 3 में और ये भी बताया है कि जब ए की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन 20 के आसपास पहुंचती है तो न्यूक्लियर फोर्स सैचुरेट हो जाते हैं और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और न्यूक्लियॉन का जो कर्व है वो नियरली कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो इसको भी डिस्कस किया है मैंने। Fe-2656 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मैक्सिमम होती है 8.8 MeV, बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसको याद रखें। साथ साथ ये भी याद रखें कि जो हमारा बाइंडिंग एनर्जी कर्व है वो मैक्सिमम से फिर धीरे धीरे घटता है बाइंडिंग एनर्जी, और यूरेनियम बान में 238 पर बाइंडिंग एनर्जी जो है पर न्यूक्लियॉन वो हमारी 7.6 MeV पर न्यूक्लियॉन हो जाती है। और एक जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे जो हमें कंक्लूड करनी है वो ये है कि जितने हमारे मैजिक नंबर्स होते हैं, मैं मैजिक संख्याओं की बात बताना चाहूँगा कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम ये पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं 2, 8, 20, 28, 50 और 82 और 126। ये हमारे अगर न्यूट्रॉन या प्रोटॉन्स अगर इनके इक्वल हैं, इन संख्याओं के बराबर,
अगर न्यूट्रॉनों की वैल्यू या प्रोटॉन की वैल्यू या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की वैल्यू इन संख्याओं के पर्टिकुलर इन संख्याओं के बराबर है तो वो हमारे पर्टिकुलर ज़्यादा स्टेबिलिटी को शो करते हैं। ये नंबर्स हमारे मैजिक नंबर्स कहलाते हैं। तो कई बार कंपटीशंस में पूछा जाता है कि मैजिक संख्याएँ कौन सी होती हैं और हमारा जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है वो मैजिक संख्याओं को किस तरीका से बताता है। तो यहाँ पर 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 में देख सकते हैं कि जो हमारा पहला कर्व है पीक है वो 2H4 मिल रहा है क्योंकि एकदम से बाइंडिंग एनर्जी यहाँ बहुत ज्यादा मिली है। तो ये न्यूट्रॉन की वैल्यू भी यहां पे 2 है, प्रोटॉन की वैल्यू भी 2 है, तो दो बार दो दो वैल्यू हमें मिल रही है, तो डबली मैजिक है, तो ये हमें कंफर्मेशन मिल रहा है। उसी तरीका से इनको हम बता सकते हैं इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व से कि अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन की वैल्यू या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की वैल्यू अगर इन संख्याओं के बराबर है तो न्यूक्लियाई हमारे पर्टिकुलर ज्यादा स्टेबल है। तो ये कर्व हमें ये भी कंक्लूड करता है। तो काफी महत्वपूर्ण और काफी इंफॉर्मेटिव लेक्चर था, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मैं इसमें डिस्कस कर रहा था। कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा जो यहाँ से सीखें। जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो एक क्वेश्चन आपसे सदा पूछा जाता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और न्यूक्लियन में कर्व्स आप प्लॉट करें, तो इस कर्व को ऑलवेज प्लॉट करके रखें। जो स्टूडेंट्स एमएससी कर रहे हैं वो सदा याद रखें कि ये कर्व आपको ग्रो करना आना चाहिए, उनके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भी आप किसी फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं तो उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप कर्व खींच के अगर चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे तो एग्जामिनर पर भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और आपको एक्सप्लेन करना भी ईजी पड़ता है। तो याद रखें कि इस कर्व को ऑलवेज ग्रो करके देखें, खासतौर से जो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं और जो कॉम्पिटिटिव दुनिया में तैयारी कर रहे हैं, जो इंटरव्यू खासतौर से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ साथ Fe2656 की जो बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन वो मैक्सिमम होती है, इसको ऑलवेज रिमेंबर रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए बराबर 4N के जितने भी इंटीजर मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं वो पर्टिकुलर ज़्यादा स्टेबल होते हैं और उसका रीजन भी एक्सप्लेन मैंने किया है, उसको भी ऑलवेज एक्सप्लेन करना सीख लें। उसके साथ साथ ये याद रखें कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो लोएस्ट इसके लिए होती है, तो 1s2 का केस याद रखें, इसके लिए लोएस्ट होती है। 2he4 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसको भी याद रखें। यूरेनियम 238 की बाइंडिंग एनर्जी 7.6 MeV पर न्यूक्लियन, 2he4 की 7.2 MeV पर न्यूक्लियन, इनको रिमेंबर रखें। साथ साथ बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला याद रखें और ये जो हम मैंने निश्चित तौर से जो ये पॉइंट डिस्कस किए हैं फिशन फ्यूजन में एनर्जी रिलीज करना, इसको ऑलवेज एक्सप्लेन करना सीखें। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है वो निश्चित तौर से आपके जो कंसेप्ट हैं उन्हें एनरिच करेगी और आपको फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में सहयोग देगी। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।